हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आ चुका है कक्षा नवी सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक का पेपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को लेकर डिमांड कर रहे थे, तो हम फाइनली वीडियो लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में आपको एक एक प्रश्न इसका मिलने वाला है, और आपको ये पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अर्धवार्षिक का सामाजिक विज्ञान का बताया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये मात्र सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, मात्र एक ही पेज में उपलब्ध है, छोटा सा पेपर है। आपको पूरे क्वेश्चन हैं इसमें बकायदा, सभी आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे, तो सही विकल्प में यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार इस सभी प्रश्नों पर नज़र डाल लीजिएगा, यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात लास्ट में करेंगे, क्योंकि इनके आंसर भी आपको देना है। तो इससे पहले हम ये ऑब्जेक्टिव यानी कि एक एक नंबर के प्रश्न ना देखते हुए हम यहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े आपको अपनी बुक में से सॉल्यूशन बुक में से ढूंढकर याद करना है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे और कैसे मिलेंगे वो हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें से स्टार्ट है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, 6वां प्रश्न है। और इसके अथवा में भारत की कितने राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। और इसका 7वां प्रश्न है लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग बताइए। और इसके बाद में है अथवा में है वस्त्र विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ है। 8वां प्रश्न है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अथवा वाला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और इसके बाद में 9वां प्रश्न है सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। इसके अथवा में है औषधीय पादपों के नाम लिखिए, कोई 4 यहाँ पर करना है। और जीव मंडल क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, अथवा वाला भी कर सकते हैं भावर क्या है। और इसके बाद में है मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है। और इसके बाद में सेवा क्षेत्र क्या है, और 12वां है भौतिक पूंजी। और इसके अथवा वाला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखिए। और 13वां प्रश्न है फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, और इसके अथवा वाला है टाइथ क्या था। और 14वां प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है, और इसका अथवा वाला है लोकतंत्र का अर्थ है। और यहाँ पर 15वां प्रश्न है कार्यपालिका क्या है, और अथवा वाला प्रश्न है संसद में कितने सदन होते हैं। और 16वां प्रश्न है खूनी परिवार की घटना क्या थी, इसके अथवा में है। और अथवा वाला जो प्रश्न है वो है अप्रैल थीसिस क्या है। और इसके बाद में 17वां जो प्रश्न है वो है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, इसके अथवा में संविधान कब लागू हुआ है। 18वां प्रश्न है भारत में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। और इसके अलावा जो पूरा क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और आगे के सभी प्रश्न और यहाँ पर दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर के साथ आपको कहाँ पर और कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे यहाँ पर स्टडी ग्रो आप लिखोगे, यहाँ पर मैं स्टडी ग्रो लिख लेता हूँ। स्टडी ग्रो लिखकर गूगल पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी, तो यहाँ पर studygrow.com करके, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट पर आ जाओगे। कुछ इस प्रकार से वेबसाइट का होम पेज आपको देखने को मिलेगा, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि आपको देखना है क्लास 9th के अर्धवार्षिक पेपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लास 9th हिंदी मिलेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे 9th 10th 11th 12th के। तो यहाँ से इसमें आपको आर्टिकल मिलेगा सामाजिक विज्ञान पेपर को लेकर।